दोस्तों गूगल कैमरा और जी कैम क्या ओप्पो और वीवो के फोन के लिए सपोर्ट करते हैं? क्यों दोस्तों, कोई भी गूगल कैमरा डेवलपर ओप्पो और वीवो के लिए कैमरा को डेवलप नहीं कर रहा है। दोस्तों अगर आप नया फोन खरीदते हो ओप्पो और वीवो का, उसके अंदर आप जी कैम को डालना चाहते हो, वो दोस्तों पॉसिबल नहीं होता है। जो एपीके आपको मिलते हैं दोस्तों, वो अगर आप इंस्टॉल करते हो तो बताता है जो एपीके है आपका जो ओप्पो वीवो का डिवाइस है वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर जो वीडियो में बना रहा हूँ ओप्पो और वीवो डिवाइस के लिए, क्यों जी कैम नहीं चल रहा है, क्यों इंस्टॉल नहीं होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसके बारे में वीडियो बना रहा हूं। बहुत ज्यादा सिंपल एंड शॉर्ट वीडियो करने वाला हूं, तो मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटे बेल आइकन को दबाने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ। दोस्तों आपको बता दूं, जो ओप्पो के अंदर है, ओप्पो के अंदर आपको मिलता है कलर ओएस, और वीवो के अंदर वीवो का खुद का स्किन मिलता है, कस्टम स्किन है। सो ओप्पो और वीवो दोस्तों दोनों ही दोस्तों कस्टम स्किन के यूज़ करते हैं। जो एंड्रॉयड है, स्टॉक एंड्रॉयड है, उसके अंदर अपना एप्लीकेशन डालते हैं, अपना स्किन को डालते हैं, उसके बाद जो प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलता है वो दोस्तों कस्टमाइज हो जाता है। ओप्पो और वीवो अपने रॉम के अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमाइज करता है, इसलिए दोस्तों मोस्टली जो जी कैम होता है वो ओप्पो और वीवो डिवाइस के अंदर नहीं चलता है। जैसे कि दोस्तों जो लेटेस्ट जी कैम आया है 5.1, जो लेटेस्ट जी कैम आया है 6.1 पिक्सल 3 की कैमरा से, वो दोस्तों स्टॉक रॉम के ऊपर ही काम करता है। सो अगर आपके पास स्टॉक रॉम है और नियर स्टॉक रॉम है, जैसे कि वन प्लस हो जाए, पिक्सल एक्सपीरियंस रॉम हो जाए, और कोई भी स्टॉक रॉम हो जाए, शाओमी का MIA1, MIA2, सो मोस्टली जो स्टॉक रॉम होता है दोस्तों जी कैम उसके अंदर ही काम करता है। जो MIUI 10 है दोस्तों, उसके अंदर भी दोस्तों जी कैम काम नहीं करता है। MIUI 10 के अंदर गूगल कैमरा काम नहीं करता है, उसके लिए आपको पिक्सल एक्सप्रेस रॉम और कोई भी AOSP और स्टॉक रॉम को डालना पड़ेगा। शाओमी डिवाइस के अंदर कस्टम रॉम डालने के बाद दोस्तों आप जी कैम की यूज़ कर पाओगे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों वीवो का जो फ़ोन है उसके अंदर ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं मिलता है। वीवो का जो फ़ोन के अंदर कस्टम रॉम डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम होता है, और ओप्पो का जो नेक्स्ट आया था मेरे हिसाब से, ओप्पो और वीवो का नेक्स्ट करके एक फ़ोन आया था, उसके अंदर जी कैम का सपोर्ट है, पर ओप्पो और वीवो का जो कस्टम रॉम का डेवलपमेंट है उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू शाओमी। सो मोस्टली ओप्पो और वीवो डिवाइस के अंदर कस्टम रॉम डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं है, इसलिए दोस्तों जो जी कैम और गूगल कैमरा है वो सपोर्ट नहीं करता है। सो अगर आप ओप्पो और वीवो का कैमरा को खरीदते हो तो दोस्तों जी कैम का सपोर्ट तो भूल ही जाओ। अगर आपके डिवाइस के अंदर कस्टम रॉम का सपोर्ट है तो उसके अंदर कस्टम रॉम डालो, उसके बाद जी कैम आप यूज़ कर सकते हो अपने ओप्पो और वीवो डिवाइस के अंदर। एनीवे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग टेक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बेल आइकन को जरूर से दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।